वेलकम टू ऑल सी एस ए ट्रेनिंग एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इन टॉपिक इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देर आर फोर कॉन्सेप्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। First one is inheritance, second one is polymorphism, second is encapsulation, and fourth one is abstraction. Today we will discuss about the most important topic, inheritance, the most important concept of OOPS concept, object oriented programming system concept, inheritance. So the start तो इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं। द इन मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। द वन यू द ओल्ड क्लास शोन इन द प्रेजेंटेशन। First one is the old class and second one is a new class. The new class is deriving from the old class. तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एक ऐसा mechanism जिसके through हम क्या करते हैं, एक old class से एक new class को derive करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, inheritance। तो आप लोगों को इतना तक तो clear होगा। आगे बात करते हैं इनहेरिटेंस का रियल लाइफ से कनेक्ट करके। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस कनेक्टेड टू द रियल लाइफ एग्जांपल फर्स्ट शोन इन द प्रेजेंटेशन। एक फादर है जिसको हम एक बेस क्लास कह सकते हैं उस, और एक क्लास है सन। एक फादर जिससे ड्राइव हुआ है सन, यही हमारे इनहेरिटेंस का मेन रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है। एक फादर एक क्लास है जिससे कि सन एक ड्राइव्ड हुआ है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ पर कुछ बातें हैं, जो फादर की जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी वो सन को तो जाएगी ही जाएगी। सन फादर का सारे प्रॉपर्टी को एक्वायर कर देगा और सन के पास खुद की भी प्रॉपर्टी रहेगी। तो ये हमारे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट हैं। तो आई होप कि इनहेरिटेंस आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस इन जावा इज ए मैकेनिज्म विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट। तो इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है जो कि अपने पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज़ को उसके चाइल्ड क्लास एक्वायर कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी उसका जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है अपने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्वायर कर सकता है एंड चाइल्ड की खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। नेक्स्ट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो मैंने पहले भी बताया था इनहेरिटेंस क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाई यूज इनहेरिटेंस इन जावा। जावा में हम लोग इनहेरिटेंस का उपयोग क्यों करते हैं? तो दो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर मेथड ओवरराइडिंग, सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन अचीव्ड। मेथड ओवरराइडिंग के लिए करते हैं, फॉर मेथड ओवरराइडिंग। एंड सेकंड वन इज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड टर्म। कोड रीयूजेबिलिटी मीन्स द, इसका मतलब क्या होता है, जो
हमने जो कोई भी कोड या कोई मेथड पहले लिख लिया है उसका उपयोग हम आगे आगे हमें जब भी ज़रूरत होगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इनहेरिटेंस का मेन उपयोग यही है, उस जो हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड हमने बनाया तो उसका हम उपयोग आगे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर हमको ज़रूरत पड़ा तो हम फिर एक नया मेथड बनाएंगे। अगर हम उस मेथड से हमारा काम हो रहा है तो हम उस मेथड का यूज आगे के क्लास में कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई मेन क्लास में एक मेथड बनाया और उसका उपयोग हम चाइल्ड क्लास में कर रहे हैं, तो ये होते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। आगे हम लोग इसको समझेंगे और भी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सुपर क्लास एंड सब क्लास। सुपर क्लास एंड सब क्लास क्या होते हैं इनहेरिटेंस में? व्हाट इज द सुपर क्लास एंड सब क्लास इन इनहेरिटेंस? तो द ओल्ड क्लास इज रिफर्ड टू एज द सुपर क्लास एंड द न्यू वन इज कॉल्ड सब क्लास। ओल्ड क्लास इज रिफर्ड टू एज ए सुपर क्लास। वी that the old class is called super class and the new class is called sub class. और भी कुछ नाम है super class और sub class के। तो super class referred as the super class को हम base class भी कह सकते हैं और parent class भी कह सकते हैं, और sub class को हम derived class, extended class और child class भी कह सकते हैं। तो I hope कि clear होगा आप लोगों को super class in सब क्लास। सुपर क्लास इज नोन एज बेस क्लास और पेरेंट क्लास, एंड द सब क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास। आई होप द क्लियर सुपर क्लास एंड सब क्लास। एंड द मूविंग फॉरवर्ड द सुपर क्लास, द एग्जांपल ऑफ सुपर क्लास एंड सब क्लास इन रियल वर्ल्ड। We will discuss about the super class and subclass examples in real world. The one class is father and second one is son. The father properties are home, money, business, and the son properties are BMW, job. तो super class और subclass से connect करके इसको देखते हैं। पहले father class के बारे में देखेंगे। Father का अपना घर है, उसकी बैंक बैलेंस मनी है और उसका खुद का बिजनेस है। वो सारे फादर के प्रॉपर्टी एक्वायर हो करके सन के पास सन की हो जाती है, मतलब पिता की जितनी भी संपत्ति है, उसका घर है, उसका मनी है, उसके घर पे भी, घर का पे भी बेटा उसके सन का सारा अधिकार है। पिता का घर, बेटे का घर भी है, पिता के मनी बैलेंस वो सन का भी बैलेंस है, पिता का बिजनेस वो सन का भी बिजनेस है। और सन धीरे धीरे बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर लिया, तो उसको खुद का अपना जॉब है, खुद की कार है, तो वो तो खुद उसकी खुद की प्रॉपर्टी हुई। लेकिन उसके पिता की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे प्रॉपर्टी को सन एक्वायर करता है। ये हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल थे सुपर क्लास एंड सब क्लास के। तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड और एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप टुडे, आज हम लोगों ने देखा इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस के यूज क्यों, इनहेरिटेंस का हम यूज क्यों करते हैं, और सुपर क्लास क्या होते हैं, सब क्लास क्या होते हैं। तो इनहेरिटेंस द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ओल्ड क्लास से एक न्यू क्लास डिराइव होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक फादर और एक सन के बीच में एक फादर से एक क्लास, एक सन डिराइव किया गया है, वो हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद सुपर क्लास, ओल्ड क्लास इज रिफर्ड एज सुपर क्लास एंड न्यू वन इज कॉल्ड सब क्लास। जो ओल्ड क्लास होता है उसको हम सुपर क्लास कहते हैं, एंड उस ओल्ड क्लास से जो न्यू क्लास ड्राइव होता है उसको हम सब क्लास कहते हैं। सुपर क्लास के और भी नाम हैं सब क्लास
ड्राइव क्लास, एक्सटेंडेड क्लास एंड चाइल्ड क्लास। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।